क्वेश्चन नंबर 8 चेंज इनटू द पोलर फॉर्म, जेड गिवन है यहाँ पे आई। अब यहाँ पे इमेजनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0 प्लस आई, मतलब एक्स की वैल्यू हो गई 0, वाई की 1, तो मॉड जेड हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 1 1 ही होता है। आर्गुमेंट का फॉर्मूला है अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, वाई की प्लेस कितनी है 1, एक्स की प्लेस 0, 1/0। अब किसी भी नंबर में जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, और 10 में इन्फिनिटी कब होता है 90 डिग्री पे, 90 को हम पाई में क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2। तो यहाँ पे इन्फिनिटी की प्लेस पे रखा 10 पाई बाय 2, 10 से 10 कैंसिल, बचा क्या पाई बाय 2। अब हमें ये चेक करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेट में बिलोंग करता है, दोनों पॉजिटिव है इट मीन ये फर्स्ट क्वाड्रेट में बिलोंग करता है, फर्स्ट क्वाड्रेट में थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू अल्फा, इट मीन्स थीटा हो गया आपका पाई बाय 2। पोलर फॉर्मूला है आपके पास आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आर की प्लेस पे हमने रखा 1 और थीटा की प्लेस पे रखा पाई बाय 2, तो यहाँ हो गया 1 कॉस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 आंसर।